सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं पहले पुराने पोल को लेके, जहाँ पे सवाल ये था कि भाई अभी दोस्तों आप ऐसे में किसको प्रेफर करेंगे, ब्लूटूथ या फिर वायर्ड को। तो आप ऐसे बोला है 66% ने कि भैया ब्लूटूथ में ही मजा आता है, तारों का झंझट नहीं है। और बाकी बोलते हैं 33% कि नहीं भाई वायर्ड ही सही है, बिकॉज प्लग करने का जो सेटिस्फेक्शन है वो अलग ही कमाल होता है। तो यहाँ दोस्तों ऐसे में आज का सवाल कुछ ऐसा है कि क्या आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि आपके फोन में NFC है या नहीं है। कहने का मतलब यह है कि क्या आप दोस्तों NFC को अपनी डेली लाइफ्स में कभी इस्तेमाल करते हैं क्या, अगर आपके फोन में अवेलेबल भी हो दोस्तों बताना जरूर क्या है आपकी राय ऊपर दिए गए पोल में नीचे कमेंट्स में। और आप खैर जानती हैं हर बार की तरह हमेशा की तरह अपने प्यार को ऐसे बनाए रखिए और दबाते रहिए लाइक बटन को। दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट को लेकर, निकल के आता है यहां पे Samsung Galaxy S11 सीरीज को लेकर। और यहां पर दोस्तों मालूम चलता है कि इसका जो टेलीफोटो कैमरा होगा वो होगा 48 मेगापिक्सल का। मतलब दोस्तों हम अक्सर देखते हैं कि जो कंपनीज हैं वो मेन कैमरा लगा देती हैं मान लीजिए एक हाई मेगापिक्सल काउंट का, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड या टेलीफोटो लेंस होते हैं वो भैया इतने बड़े जो हैं वो सेंसर के साथ में नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों S11 जो है वो लगता है कि कैमरा के मामले में काफ़ी कमाल परफॉर्म करेगा, बिकॉज मेन कैमरा जो है दोस्तों वो भी बात चल रही है कि ये होगा एक कस्टम 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा सेंसर, साथ में फिर वो टेलीफोटो भी है 48 का, फिर अल्ट्रा वाइड भी होगा, फिर शायद मैक्रो या कुछ और दोस्तों होंगे शायद कैमराज। देखते हैं अगर क्या करता है इसी फोन के साथ में। खैर जो भी हो, अनबॉक्सिंग आपको इंडिया में सबसे पहले इधर मिलेगा, ये बात तो खैर आप जानते ही हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेके। तो भैया यहाँ पे दोस्तों जो फास्ट टैग है उसकी डेडलाइन को भी एक बार वापस से एक्सटेंड किया गया है। और अभी दोस्तों यहाँ पे ये मैंडेटरी होने वाला है 15 जनवरी से। अभी ऐसे में अगर आपके पास दोस्तों एक कार है तो आपको ये स्टिकर लगा लेना चाहिए अभी तो कम से कम, बिकॉज एक तो पहली बात तो मैंडेटरी है, दूसरी बात जो सहूलियत है इसकी वो अपने आप में काफ़ी दोस्तों और अच्छी होने वाली है। एक बार जो सिस्टम जो है वो आ जाएगा इफेक्ट में, उसके बाद में जो वो कंप्लीट टोल गेट्स पे दोस्तों लंबा लंबा जाम लगता है, जो कई बार पैसे का लेन देन होता है, वो सबसे निजात मिल जाएगी इसी फास्टैग के बाद में। यहां पे दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेके। तो अभी दोस्तों यहां पे लेके आया है YouTube लर्निंग एक नई YouTube सीरीज AI के ऊपर, और यहां पे दोस्तों इसको होस्ट किया है रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने। तो यार मतलब ये तो खैर देखना बनता ही है, और ऐसे में दोस्तों फाइनली अवेलेबल हो गई है। तो अगर आपने उसे जाके नहीं देखा तो देखिए, मैंने देखा है और काफी कमाल है, और मालूम चलता है कि आखिर AI का वाकई में ट्रू पोटेंशियल क्या है। यहां दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है Huawei Mate X को लेके, और मालूम चलता है कि इसका एक अपडेटेड वर्जन जो है थोड़ा सा बेटर हिंज और बेटर टफर स्क्रीन के साथ में वो Huawei अनवील करने वाला है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 के दौरान। देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या कुछ इसमें नया होता है। हालांकि मेरा प्लान खैर कंफर्म बन ही चुका है एंड्रॉइड से जाने का भी, और आपको वहां जाके भी सीधा कवरेज मिलेगी कि आखिर क्या कुछ हमको नए वहां पे अनाउंसमेंट मिलते हैं। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi ने निकाला है एक दोस्तों यहां पे नया ही टाइप का डिजाइन कार सीट के लिए, और यहां पर दोस्तों नाम है Q-Bond 360 डिग्री। और ये दोस्तों एक रोटेटिंग कार सीट है जो आप दोस्तों लगा सकते हैं अपनी गाड़ी में, बच्चे उस पे बैठे 12 साल तक के, और ऐसे दोस्तों काफी सेफली गाड़ी में वो बैठ पाएंगे, घूम फिर भी पाएंगे। कीमत है करीब 14,000 के आसपास। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है Samsung Galaxy Fold 2 की लाइव फोटोज को लेके। यहां पर दोस्तों ये फोन आपके सामने अगर आप देख पा रहे हैं फिलहाल स्क्रीन पे, जो कि ऐसा दोस्तों कुछ फोल्ड होगा क्लैम्पशेल डिजाइन के साथ में आने वाला फोन है, और ऐसे दोस्तों सामने One UI अब चलता हुआ देख रहे हैं, पीछे हमको ड्यूअल कैमरा भी दिख रहा है। देखते हैं एग्जैक्टली कि इस फोन की स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं और किस कीमत पे Samsung इसको लॉन्च करता है। लगता है ये कि ये थोड़ा सा कम कीमत पे आने वाला फोल्डिंग फोन होगा। बाकी अगर आप जानते हैं कि इसकी अनबॉक्सिंग भी इंडिया में सबसे पहले अगर किसी टेक चैनल पे मिलेगी तो वो होगा आपका अपना टेक्निकल गुरुजी। यहां दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेके। तो ओप्पो की तरफ से दोस्तों रेनो 3 प्रो की कुछ लाइव फोटोज निकल के आई हैं, जो हमको बताती हैं कि कैसा होने वाला है आखिर यही ओप्पो रेनो 3 प्रो 5G फोन। हालांकि अभी लॉन्च हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे में जो पंच होल है दोस्तों इसमें काफी छोटा सा है, और पीछे आपको देखने को मिल रहा है क्वाड कैमरा सेटअप। देखते हैं खैर कि आखिर लॉन्च कब होता है, और इंडिया में अभी रेनो 2 तो खैर आ ही चुका है, रेनो 3 जो है वो ओप्पो कब तक लॉन्च कर पाता है। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है रियलमी के X50
5G फोन को लेके रोजाना कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ नया हमको सुनने को मिलता रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों मालूम ये चला है कि ये आने वाला है 5D आइस कूल्ड हीट डिसिपेशन सिस्टम के साथ में, जहां पर दोस्तों कंप्लीट कवरेज होगी 100% जो भी दोस्तों हीटिंग सोर्सेज हैं फोन में उनकी, जिसके चलते अगर आप बात करें 5G यूजेज वगैरह की तो भी फोन शायद आप इतना गर्म होता हुआ ना महसूस करें और काफी बेहतर तरीके से फोन को आप यूज कर पाए। यहाँ पे यार अगला अपडेट निकल के आता है वर्चुअल असिस्टेंट को लेकर। दोस्तों आपके फोन में भी है, यूज करते हो फिर चाहे वो एप्पल का हो या गूगल का हो या माइक्रोसॉफ्ट का हो, तो एप्पल सीरी ने भैया बाजी मार लिया दोस्तों। ऐसे में ये 35% मार्केट शेयर के साथ में सबसे ऊपर आता है और नंबर दो पे गूगल असिस्टेंट नहीं है। यहाँ पर दोस्तों शॉकिंग अपडेट बताता है कि नंबर दो पे है माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्टाना 22% के साथ में। ये कैसे हो गया यार, समझ ज्यादा, लेकिन यार जो भी है अब यही है वर्चुअल असिस्टेंट्स के लिए कि जो सीरी है वो सबसे ऊपर है 35% शेयर के साथ में। यहाँ पे यार अगला अपडेट दोस्तों निकल के आता है इंस्टाग्राम की तरफ से, और इंस्टाग्राम जो है वो अभी बैन कर रहा है इन्फ्लुएंसर्स को अगर वो किसी वेपिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों उनको बैन किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि इंस्टाग्राम ने किसी भी टाइप के प्रमोशन को लेकर कोई भी रोक कभी लगाई हो, लेकिन अभी के लिए क्लियर कट जो है वो बैन कर रहा है इन्फ्लुएंसर्स को अगर वो प्रमोट करते हैं किसी वेपिंग प्रोडक्ट को। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकलता है टोयोटा की तरफ से, और अभी जो है वो मतलब ये दोस्तों ह्यूमनॉइड रोबोट है टोयोटा का, जो मतलब रेप्लिकेट करता है मूवमेंट्स को, साइड में इंसान बैठे दोस्तों जैसे जैसे वो हिले रोबोट भी वैसे वैसे बिल्कुल सही सही हिले। तो मतलब सोच के देखो अभी भैया आगे कि हम रोबोट्स जो है वो मतलब बिल्कुल इंसानों की तरह कमर घुमाते हुए पैर सीधे चलते हुए, मतलब कैसे कैसे दोस्तों यहाँ पे इंसानों को है रेप्लिकेट कर पाएंगे और कहाँ कहाँ काम में आ पाएंगे, वो तो खैर अब आगे होते हुए देखेंगे ही। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेकर, तो अमेजोन की जो फैब फोन्स फेस्ट सेल है ये दोस्तों हो चुकी है शुरू। ऐसे में आपको आपके फेवरेट फोन्स के ऊपर काफी अच्छे डिस्काउंट्स और डील्स वगैरह मिलने वाली है, तो अगर कोई नया फोन खरीदने का मूड बना रहे हो तो अभी इसी सेल के दौरान ले लो, क्या पता बेहतर डील मिल ही जाए। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकलता है एप्पल के फाइंड माई आईफोन वाले फीचर को लेकर, जहां पर दोस्तों यूएस में एक 19 साल की लड़की थी और उसको अपनी खोई हुई कार मिल गई, क्योंकि दोस्तों जब गाड़ी चोरी हुई तो उस टाइम पे दोस्तों गाड़ी के अंदर फोन था, गाड़ी स्टार्ट छोड़ के वो कहीं बाहर निकल गई थी, चोर आया दोस्तों गाड़ी लेके चला गया, फोन हालांकि बाद में ऑफ हो गया और वो ट्रैक करने के लिए दोस्तों फोन तो ऑफ था, लेकिन जैसे ही फोन ऑन किया उस चोर ने, तो ऐसे में दोस्तों वो जो लड़की थी उसने अपनी फ्रेंड के फोन से देखा, फोन की लोकेशन को ट्रैक किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया और जाके गाड़ी को दोस्तों वापस से ले लिया अपने कब्जे में। तो ये काफी अच्छा फीचर है हालांकि एप्पल के आईफोन का, जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और फिलहाल इसने मदद की है एक कार को वापस दिलाने में उसी के राइटफुल ओनर के पास। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है लास्ट शॉम की तरफ से, और बात हो रही है भैया नंबर 1 मी फैन सेल को लेके, जहां पर दोस्तों काफी सारे आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिलने वाले हैं। अगर आपसे बात करता हूं शाओमी के प्रोडक्ट्स की, तो अगर आपको मतलब पसंद है शाओमी और अगर आप हैं शाओमी के भैया नंबर 1 मी फैन, तो इसी नंबर 1 मी फैन सेल में फायदा उठा सकते हैं, क्या पता कुछ नए कमाल डिस्काउंट्स मिल जाए दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।